आजाद हो चाहे स्वतंत्रता संग्रामी, उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी है हमारे देशवासियों को जीवन के अंदर संघर्ष नहीं तो करने अभी की। हुबहू भगत और सिंह हम कौन लगातार है संघर्षशील भैया, हैं। एक मिनट, धीरे धीरे चलो, हमारे साथ तो इतनी देर ना भागो, हम आपके मुकाबला कहां कर पाएंगे। अभी हुबहू भगत सिंह कौन है, सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद कौन है, मतलब ये तो बता दे चलो, ताकि ज्ञान बढ़ता रहे हमारा भी। देखिए, भारत हर भारतवासी भगत सिंह है, हमारे फिर और गोल आम आदमी पार्टी का गोल जलेबी हर बना रहे हो। कार्यकर्ता नहीं भगत सिंह है, नहीं नहीं और ये तो समय ना बताएगा ना भगत ना सिंह ना कौन ना है। ना ना, मोहम्मद समय तकी की सबको बात महात्मा अमिताभ जी, नहीं, ये मोहम्मद समय तकी की बताएगा भगत बात सिंह कौन है। ना ना, मैं मोहम्मद तकी की और बात काट रहा हूं। भारतीय जनता एक एक पार्टी, मिनट, अरे भारतीय जनता भाजपा पार्टी जिस छोड़ो, तरह से भाजपा आपका क्या मुकाबला करेगी? आपने तो जब गिरफ्तारी के बिना गिरफ्तारी घोषित कर दी, तो कौन माइकल लाल आपका मुकाबला कर लेगा भैया? भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत आम आदमी पार्टी पे कर नहीं, रही है, एक लगता है वो एक मिनट सरकार एक गुजरात मिनट, में बना के मैं माने मोहम्मद तकी बनेगी, को रोकूंगा और उनको। 2024 अरे में रुको भी बहन, इनके क्या बात रुको केजरीवाल अभी, की सरकार बनेगी। ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे में बहस करो मेरे सवालों पर। ये वहां गुजरात में क्या चमत्कार होगा? अब भाजपा को बोलना है कि हम इतनी सीट जीतेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तकी को बोलना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या नहीं? मैं मोहम्मद तकी की बात को काट रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की बात को बड़ा मान रहा हूं उनकी बात से। उन्होंने कहा हर भारतवासी, नहीं ऐसा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दो लोग घोषित कर दिए, कहा मनीष और सत्येंद्र जैन भगत सिंह हैं, बात खत्म हो गई। अब अरविंद केजरीवाल की माने कि आपकी माने, बताओ। हर भारतवासी भगत सिंह बनने की प्रेरणा रखता है वहां अमिताभ जाओ, जी, अरे बन हर गए भारतवासी अरविंद, चंद्रक आजाद अरे बनने की भाई प्रेरणा अरविंद रखता जी है, ने कहा बन हर गए आप, कह रहे भारतवासी अशोक बनेंगे। उल्लाह खां बनने की प्रेरणा रखता है, हर भारतवासी रोशन लाल बनने की प्रेरणा रखता है। अरे ये रोशन तो स्वतंत्रता ठीक है, संग्रामी हमारा प्रेरणा स्रोत रहे, ठीक अभी इन्होंने रुकिए, हमेशा प्रेरणा दी है, ठीक आगे अभी बढ़ने की रुकिए, प्रेरणा अभी दी अभी है, अभी रुकिए, और तकी भ्रष्टाचार साहब से भाई, लड़ने इनकी आवाज की रोकिए, प्रेरणा मुझे दी आज थोड़ा सा है। सख्ती करनी होगी, क्योंकि आज तकी साहब की पार्टी बहुत उत्साह में है, और वो इतने उत्साह में है कि वो कुछ भी घोषित कर सकती है, किसी को अंबेडकर, किसी को गांधी, किसी को जवाहरलाल, कुछ भी, हाँ माए सब तरफ बैटिंग चल रही है। भाई एक बात नहीं समझ पाए, एके मिश्रा जी, गिरफ्तारी के बाद हंगामा मैंने सुना, मैंने बड़े बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार होते देखा, बड़े बड़े धर्माचार्यों को गिरफ्तार होते देखा, कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार होते देखा, जयललिता के समय में, मुलायम सिंह के जी के रिजीम में स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार होते देखा, सब देखा। लेकिन आदमी सड़क पर आराम से जुलूस में हो और उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करके नारा लग जाए, ये नहीं देखा। ये विचित्र किंतु सत्य जो दृष्टांत आया है, ये इस पर क्या कहेंगे? मैं तो बहुत प्रभावित हूँ माननीय संपादक महोदय, जी, और इतना प्रभावित मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। एक ऐसी नवीन विचारधारा राजनीति में चली है कि प्रेरणा स्रोत को पेड़ा स्रोत बना दिया जाए, पेड़ा खाने वाली मिठाई, प्रेरणा स्रोत को पेड़ा स्रोत बना दिया जाए। और मैं माननीय केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूँ, दो चीज और डिक्लेयर कर दे, नास्त्रादमस वगैरह सब फेल है, भविष्य पुराण वगैरह सब फेल है। पहला चीज वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, हो सकता है अगले चुनाव में किसी स्टेज पे वो बोल दें कि फलाने तारीख को अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरा, कहीं ऐसा ना हो जाए इससे बढ़ के, जितनी तेजी से ये आगे जा रहे हैं, किसी दिन चौराहे पे खड़े हो और बोले यदा यदा ही ईमानदारियस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनम, ये पूरा जो श्लोक है, और अपने आप को कल की अवतार घोषित कर दें कि जी अब तो हम, अरे कल की अवतार की बात न करो, प्रमोद वो प्रमोद कृष्णन आ जाएंगे। मैंने पूछा अगर उनको गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग जबरन उनको गिरफ्तार कराओगे क्या? देखिए, हम जेल के बाहर भी संघर्ष कर रहे थे और जेल के अंदर भी संघर्ष अरे करेंगे। संघर्ष की जेल बात के नहीं अंदर कह रहे हूं, शेर शेर होता है, शेर शेर होता है अमिताभ जी, चाहे जंगल चाहे वो जेल के अंदर हो अरे चाहे मैंने जेल के पूछा बाहर हो, क्या वो जवाब हम क्या अपना दे रहे काम जानते हैं, हम अपना काम जानते हैं, और इस सब बातों से हमको कोई फर्क नहीं मैंने पड़ता। इस सवाल आम ने आदमी पूछा, ठीक, पार्टी, एक के आम मिनट आदमी को रुकिए पार्टी रुकिए, एके जेल से मिश्रा, बाहर एके कर देंगे मिश्रा, तो क्या गति मेरा रहेगी? प्रश्न वही, अगर मनीष गिरफ्तार नहीं हुए और वापस घर आ गए इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद, तब क्या होगा? चूंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने तो सुबह ही घोषित कर दी गिरफ्तारी, जेल के फाटक भी तोड़ दिए, ताले भी तोड़ दिए, रिहाई की तारीख घोषित कर दी 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे के बाद, तब तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी कि मनीष घर में बैठ के दो रात का भोजन करें और वहां चल रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार।
नहीं, आदरणीय केजरीवाल जी अपने वचन के पक्के हैं, अपने वचन को निभाएंगे, और गिरफ्तारी को दिखाने के लिए 2-4, 6 दिन, 10 दिन, साल भर जितना इस केस में गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकता है वो कोई कोठरी ओठरी बनवा के कि हाँ जी देखो मैंने बोला था, इसलिए अब हम इसको सांकेतिक रूप से, मैं पराकाष्ठा इसलिए बोलता हूँ सदन का, अफ्ताब जी मेरी बात सुनिए, कि जिन महापुरुषों ने अपने जान की परवाह नहीं की और अपना अपनी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए एक पुनीत कार्य के लिए, अब स्वतंत्र देश में क्या यही देखने को रह गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगे और अपने आप को बचाने के लिए आप उनको एज ए टक्सडो या रक्षा कवच की तरह आप प्रयोग करिए? ये कितना गलत प्रयोग है हमारे आम आदमी पार्टी ने हमेशा सीबीआई की ईडी की जांच का स्वागत किया है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर पाया आज तक। आज तक किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ है, कहीं साबित नहीं कर पाए। लगातार नौटंकी कर रहे हैं, की नौटंकी कर रहे हैं, गुजरात में वो हार रहे हैं, गुजरात में हार से घबराए हुए भाजपा के लोग ये बेवजह की नौटंकी कर रहे हैं और ये रच रहे हैं, श्रृंगार रच रहे हैं और दिखा रहे हैं। और दूसरी बात मैं समझना चाह रहा हूं मिश्रा, गंभीर बात, ये 1857 का दौर है नहीं, 1947 का दौर है नहीं, युद्ध हो रहा नहीं, कहीं शूल बरस रहे नहीं, कहीं गोलियां चल रही, तोपें चल रही, थेमन चौक है क्या जैसा वहां हुआ था चीन में? नहीं, इसमें कोई गोली और फांसी कौन किसको दे रहा और कौन को खार ले रहा? ये तो निर्माण का मेहनत का समय है, इसमें फांसी की बात क्यों की जा रही है कि हम फांसी झूलने को तैयार हैं? जब फांसी की बात ही नहीं है कहीं, तो आप झूलने किसमें तैयार हैं? झूला झूलो यार, फांसी पे क्यों झूलोगे जी? देखिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की जो दिशा है और जो उनके लक्ष्य है, आपने शुरू में ही बोला था, उनको बड़ी बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी मैं कैसे गुजरात जीत लूं, मैं पंजाब जीत लूं, यानी अल्टीमेटली मैं, हो सकता है वो इस इंतजार में बैठे हैं कि बस 2024 आ गया है और प्रधानमंत्री की लिस्ट में अब नेक्स्ट नंबर मेरा है, ये उतावलापन उनका ये बता रहा है। अब बहुत सारी चीजें ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्ट अटैक करें, एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे महापुरुषों के जो है बराबर अपने आप को, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आपको समन जो है जारी हुआ है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर एक गलत आरोप लगा है और उसमें अपनी सफाई देने, और आप इस पूरे परिदृश्य को आप इतने गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि आपके ऊपर गलत। अब एक मोहल्ले में चोरी करने वाला आदमी भी अगर कल को ये बोले कि भाई मैं तो भगत सिंह बन गया हूं और थाने में जाके इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, तो ये क्या उचित तरीके से ये जो है तुलना जो है उचित मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आप गांधी जी भगत सिंह तब होते, अकेले जाते, एक दो लोगों के साथ जाते, जिम्मेदारी से सवाल और जवाब वहां पे जो भी होता, अपनी जो है निष्ठा को संविधान के हिसाब से अपने। वही सवाल ले लेते ताकि साहब।